खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां सिकंदरपुर ओपी क्षेत्र के बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के पास एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। मायके वालों ने हत्या का आरोप पति पर लगाया है। मृतका की पहचान मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुरहरी छपरा गांव निवासी राजेश शाह की पत्नी रिंकू देवी के रूप में हुई है, जो बालूघाट बांध रोड स्थित आटा चक्की के समीप किराए के मकान में पिछले कई वर्षों से रह रही। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखने के लिए मौके पर स्थानीय लोगों की भीड़ काफी संख्या में जुट गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची सिकंदरपुर ओपी की पुलिस ने मामले की छानबीन कर आरोपी पति राजेश शाह को गिरफ्तार करके आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जानकारी के अनुसार औराई थाना क्षेत्र के भरतुरा गांव निवासी हीरा शाह ने अपनी बेटी की शादी 7 वर्ष पूर्व मीनापुर थाना क्षेत्र के रामपुरही छपरा गांव निवासी राजेश शाह से करवाई थी। घटना के संबंध में मृतका के भाई ने रंजीत शाह ने हत्या का आरोप पति पर लगाते हुए बताया कि आज सुबह उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने तुरंत इस घटना की जानकारी पुलिस को दे दी। वही हत्या की सूचना मिलते ही सिकंदरपुर ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। मामले की ओपी प्रभारी हरेंद्र तिवारी ने पुष्टि करते हुए बताया कि एक महिला की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई है। छानबीन के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। फिलहाल आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों के द्वारा लिखित शिकायत के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमको 4 बजे के आसपास फोन गया है, किसे ऐसे ऐसे कुछ घटना हो गया। हम आए तो पता चला किसे हमारी बहन डेथ कर गई हुई है, और जो उनके पति राजेश कुमार हैं वो हमको बोले कुछ और बार बार अपना स्टेटमेंट बदल रहा है। हत्या किस तरीके से किया गया? अब उस पर तो गला पे दाग का निशान है और विशेष तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विशेष कल शाम में 9 बजे रात 8:30 बजे के आसपास। क्या शक लग रहा है आप लोगों को? अभी हम कैसे कहें, अभी क्लियर एविडेंस नहीं है। जब तक क्लियर एविडेंस नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते हैं। प्रशासन के ऊपर है जैसे जो करें। आगे क्या चाह रहे हैं आप? आगे चाह रहे हैं कि अब कैसे हुआ मगर इसका जांच हो। पुलिस के तरफ से तो क्या आश्वासन मिला? पुलिस के तरफ से तो बॉडी का सत्यापन किया जा रहा है। आगे की कार्रवाई क्या कर रहा है पुलिस इस पर निर्भर करता है। घटना जिस वक्त हुआ घटना कौन था? हमारे जानकारी में तो यहाँ नहीं था कि कौन कौन था। दो भगना था और अभी राजेश कुमार अब कह रहे हैं कि कब थे कब नहीं थे तो वही बताएंगे। ना मिली है कि एक महिला की मृत्यु हो गई है और आकर उसका छानबीन किए हैं। इनकेस डेड बॉडी चालान बना के पोस्टमार्टम के लिए भेजे जा रहे हैं। उसके पति को हिरासत में लिया गया है, आगे जांच किया जा रहा है। मामला क्या लग रही है देखने से? पति का ही कुछ दोष लग रहा है। आगे कार्रवाई इसमें जांच कर रहे हैं। R9 भारत के लिए परवेज आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर बिहार। मोतिहारी के ऐतिहासिक चरखा पार्क से अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूर्वी चंपारण के द्वारा कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। शहर के चरखा पार्क से निकलकर विभिन्न मार्गों से होते हुए शहर के गांधी चौक मीना बाजार तक यह कैंडल मार्च गया। आपको बता दें कि मधुबनी में होली के दिन राजपूत समाज के 5 लोगों की निर्मम हत्या, बांका में संतोष सिंह की हत्या, शिवहर में आदित्य सिंह की हत्या और भभुआ के राकेश सिंह उर्फ तिरपन सिंह की हत्या के विरोध में संगठन की ओर से कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करके मृत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। होली के दिन मधुबनी के गोलीकांड में पुलिस प्रशासन एवं बेनीपट्टी के विधायक विनोद नारायण झा का मुख्य आरोपी प्रवीण झा व नवीन झा के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया गया। संगठन की ओर से अपराधियों को फांसी की सजा देने की मांग की गई। मधुबनी गोली हत्याकांड के स्थल से थाना की दूरी महज 10 मिनट के होने के बावजूद भी पुलिस द्वारा 4 घंटे बाद पहुँचने को लेकर भी कहा गया कि पुलिस भी मिली हुई है। क्षत्रिय महासभा ने सरकार को चेताया है कि अगर मधुबनी बांका शिवहर और भभुआ के घटनाओं के अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्षत्रिय समाज इसके लिए सड़क से सदन तक दरवाजे तक हुकार भरेगा। पीड़ित परिवारों को सुरक्षा, सरकारी नौकरी, मुआवजा व उचित न्याय देने के लिए सरकार से मांग की गई। इस सभा में कहा गया कि इस सुशासन के सरकार में अभी कुशासन का लोकतंत्र दिख रहा है। स्कैंडल मार्च में संगठन के प्रदेश महामंत्री जीतेश सिंह, उपाध्यक्ष ओम प्रकाश सिंह इत्यादि उपस्थित रहे। राजनीतिक सुनियोजित साजिश के तहत क्षत्रिय समाजों पर छल करके हमला करके उनकी हत्याएं हो रही है। अभी हाल ही में मधुबनी नरसंहार, बांका में हत्या,
शिवहर में क्षत्रिय का हत्या, भभुआ में क्षत्रिय का हत्या, इसके विरोध में आज हम लोग अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा पूर्वी चंपारण सड़क पर उतरने को मजबूर है। और आज के इस कैंडल मार्च से बिहार सरकार को यह चेतावनी देना चाहते हैं, या तो क्षत्रियों पर जो हत्यारे हैं उनको अविलंब स्पीडी ट्रायल करके उनको फांसी दो, पीड़ित परिवार को 50-50 लाख रुपया और सरकारी नौकरी दो, और साथ ही जो राजनीतिक रूप से इसमें शामिल है वैसे नेताओं को FIR दर्ज करके अविलंब उस पर हत्या की मुकदमा हो, अन्यथा यह क्षत्रिय समाज अपना निर्णय स्वयं लेगा। हम न किसी सरकार का इंतजार करेंगे और न किसी प्रशासन का इंतजार करेंगे। हमारी धैर्य का परीक्षा सरकार अब न ले, जिस भगवान श्री राम के वंशजों ने, महात्मा बुद्ध के वंशजों ने, महावीर के वंशजों ने, बाबू वीर कुंवर सिंह, महाराणा प्रताप और शिवाजी और पृथ्वीराज चौहान जैसे महापुरुषों के वंशजों ने दिशा और दशा बदलने का काम किया, आज उनके वंशजों पर जो हत्याएं हो रही है वैसे धर्म और देश दोनों के लिए खतरा है। अगर धर्म को बचाना है, अगर देश को बचाना है, तो क्षत्रियों को सम्मान देना होगा, क्षत्रियों को बचाना होगा। बगैर क्षत्रिय का न यह देश सुरक्षित रह सकता है, न यह धर्म सुरक्षित रह सकता है। इसलिए खैर की परीक्षा मत लो सरकार, अन्यथा हम लोग अपना निर्णय स्वयं लेंगे। और मधुबनी नरसंहार हत्याकांड में जो सदा संरक्षित जो नेता है, जिनके संरक्षण में यह कांड हुआ, उस नेता को गिरफ्तार करो और उस हत्यारों को फांसी दो, अन्यथा हम अब क्षत्रिय समाज पूरा हिंदुस्तान में दब चुका है। मैं ओम प्रकाश सिंह, जिला उपाध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण। जय भवानी। R9 भारत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, पूर्वी चंपारण।